ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने रविवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि इसराइल पर अपने हमले में आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग कर रहा था। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इसराइल के हमले के बाद अमीर सईद इरावानी ने कहा कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने कर्तव्य में विफल रही है, इसलिए तेहरान के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन किसी भी खतरे या आक्रामकता का जवाब देगा। ईरान द्वारा इसराइल पर शनिवार देर रात 80 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। इस पर तुरंत जवाब देते हुए इसराइल ने आयरन डोम रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए इन्हें नष्ट कर दिया था। इस वजह से इसराइल में हमले के कारण मामूली क्षति हुई। हालांकि ईरान और इसराइल के बीच बढ़ रहा तनाव अन्य देशों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है।